तथा सामनाम बृहत्साम। उसी तरह सामवेद में बृहत्साम हूँ। छंदसाम गायत्री अहम्। छंदों में गायत्री मंत्र मैं हूँ। मासानाम मार्गशीर्ष। महीनों में मार्गशीर्ष। ऋतुनाम कुसुमाकरा अहम्। ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। तथा सामनाम बृहत्साम छंदसाम गायत्री अहम्। मासानाम मार्गशीर्ष ऋतुनाम कुसुमाकरा अहम्। भावार्थ, उसी तरह विवस्वत सूर्योत्पन्न मीठे साम वेद में बृहत्साम हूँ। छंदों में त्रिदेवियों का गायत्री मंत्र मैं हूँ। महीनों में सिर जैसी सर्वोत्तम मार्गदर्शी पूर्णमासी का मार्गशीर्ष। ऋतुओं में सदा बहारी हीरो पाटधारी शिव बाबा रूपी सदा समान सुखदायी बसंत ऋतु हूँ। जो गायत्री मंत्र है, है। शीर्षक तो कन्याओं माताओं के नाम से है, गायत्री गंगा यमुना और सरस्वती त्रिवेणी के नाम से है। लेकिन संबोधन जो है ये त्रिदेव को है। तीन देव हैं तो उनके साथ तीन देवियां नहीं है, और तीन देव अकेले कुछ कर पाएंगे बिना देवियों के? तीन देवताएं जो हैं वो देवियों को साथ न लेंगे तो स्वर्ग में का काम पूरा कर स्वर्ग स्थापन होगा है? जो श्लोक दिया हुआ ना उसमें तो देवियों के नाम तो है ना, ओम किसमें कहा गया है ना? हाँ, सप्तम्बर में भरपूर देवों से भी कहीं योग। अब काम पूरा किसने किया? देवताओं ने काम पूरा किया या देवियों ने पूरा किया है? अरे श्लोक में वो तो बोलने की बात है, लेकिन जब करने की बात आई तो करने का काम प्योरिटी करेगी या देवता का? वो जो देवताएं पुरुष रूप में है वो करेंगे। पुरुष तो सारे ही दुर्योधन तो शासन बता दिए, तो देवता बन ही नहीं पाएंगे, इसलिए तीन देवियों का नाम पहले रख दिया। गायत्री जिन तीन का गायन है वो बाबा को कहा जाता है, रूप भी है बसंत भी है, क्या दोनों कैसे? बाबा कौन? बाबा बिंदी बाबा? बिंदी बाबा नहीं, निराकार साकार का मेल है बाबा, उसको कहा जाता है। वो रूप भी है बसंत भी है। बसंत कैसे हैं? बसंत ऋतु में खुशबुएं आती है ना फूलों की, तो वो बसंत भी है, सर्व गुणों की खान है।